अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्लीग्स, फ्रेंड्स आज इंग्लिश लिटरेचर का पेपर देके आ रहे हैं और इस वक्त आप सभी परेशान हैं कि पेपर कैसा दे आए हैं, पेपर कैसा था। सबके जहन में ये सवाल है कि आया पेपर सिर्फ हमें ऐसा लगा या बाकी सबको भी ऐसा लग रहा है जैसे हमें लगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज करके बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे डिफरेंट पेजेस पे कमेंट्स किए, क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर किए हैं। तो ओवरऑल ओपिनियन हर स्टूडेंट को ये है कि आज का पेपर सारे स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगा है। क्यों मुश्किल था, इसमें क्या ऐसा था? पेपर सेटर ने ऐसा पेपर बनाया है जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके सामने एमए इंग्लिश का बच्चा नहीं बैठा हुआ बल्कि गूगल बैठा हुआ है। मतलब इस तरीके से तारीखें, इस तरीके से हिस्ट्री को खंगाला गया है। ऐसी ऐसी बातें बीच में से बारीक बातें निकाल के पूछी गई हैं कि शायद हम गूगल से भी स्टूडेंट्स इस वक्त चेक कर रहे हैं तो वो कंफ्यूज हैं। गूगल पे भी उनको नहीं वो इन्फॉर्मेशन मिल पा रही जो इन्फॉर्मेशन PPSC ने आज स्टूडेंट्स से मांगी हुई थी। ओवरऑल हमेशा हर PPSC के, ये कोई नई बात नहीं है, PPSC के हर पेपर में 2-4 स्टेटमेंट्स, 10 स्टेटमेंट्स या कह लें 15-20 स्टेटमेंट्स ऐसी आ जाती होती हैं जो कि एक कॉमन कॉन्सेप्ट होता है कि ये किसी को नहीं आती होती। वो सिर्फ कोई बहुत एलीट या बहुत क्रीम वाले जो 1-2% स्टूडेंट्स होते हैं उनको शायद आती होती हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट्स पेपर्स में हमेशा होती हैं, लेकिन इस पेपर में उन्होंने 10-15-20 नहीं, तकरीबन 40% पेपर जो था वो ऐसा बना हुआ था जैसा पेपर माजी में एलीट या क्रीम या टॉपर्स के लिए बनाया जाता है। अब इसका नतीजा क्या होगा? ऐसे पेपर का में सबसे ज़्यादा नुकसान तो उनका हुआ है जो एवरेज स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट्स जो जिनकी तैयारी मेडियोकर थी, जिनको बहुत डेप्थ नहीं पता थी, और उनका नुकसान ये हो रहा है कि वो 40 मार्क्स नहीं ले पाएंगे। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स विल फेल दिस पेपर। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस पेपर को एस नहीं कर पाएंगे, वो इस पेपर में फ़ेल हो जाएंगे, उनका चांस ज़ाया हो जाएगा। PPSC ने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का लेक्चर का एक चांस ज़ाया कर दिया। मतलब आगे भी पेपर होता है, पेपर में मेरिट ऊपर बन जाता, मेरिट 80 पे चला जाता, पेपर थोड़ा सा आसान होता, स्टूडेंट्स का चांस ज़ाया नहीं होता। लेकिन इस वक्त लगता है कि PPSC ने बहुत स्टूडेंट्स को फेल करने का सोच लिया हुआ है। तो पेपर इतना मुश्किल बनाया गया कि इवन जो लोग पास करेंगे इसको, वो भी कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इस वक्त फ्रेंड कुली 60-70 तो मेरा ख्याल है, मैंने नहीं अभी तक किसी से देखा या सुना कि वो 70 नंबर एक्सपेक्ट करके बैठा हो। मेरिट जो है वो आपका ऐसे में कहाँ जाएगा, मेरिट 40 होगा। जिसने 40 नंबर ले लिए तकरीबन 80% तो ये है कि वो पास ही होगा, वो 80% चांस ये है कि वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, उसका नाम आ जाएगा लिस्ट में। मेरिट 40 से 45, इससे आगे आपका मेरिट नहीं जाने वाला, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स जो हैं, हाईएस्ट मार्क्स इस पेपर में 60 से 70 से ज़्यादा नहीं होंगे, और मेरिट आपका 40 होगा। जिसने 40 नंबर लिए, पेपर पास कर लिया, समझ लीजिए कि उसने अपने आप को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। लेकिन दोस्तों, फ्रेंड्स, साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। इस वक्त अच्छा बुरा होता रहता है, पेपर हर तरह का आता है। PPSC बहुत मशहूर है, इनफेमस है, कभी पेपर बहुत आसान बना दिया जाता है और कभी पेपर बहुत मुश्किल बना दिया जाता है। तो कामयाबी हमेशा अल्लाह ताला के हाथ में होती है, आप अल्लाह पे भरोसा रखें। जिनको लगता है कि उनका अच्छा नहीं हुआ है, 40 से कम नंबर बनते हैं, वो लोग लेक्चरर Phase 3 के लिए तैयारी पकड़ें। और जिन लोगों को लगता है उनका पेपर अच्छा हो गया है, वो इंटरव्यू की तैयारी शुरू करें। जिनको लगता है उनका पेपर, उनके नंबर 40 से ऊपर बन रहे हैं, वो इंटरव्यू की तैयारी कर लें और बिल्कुल परेशान ना हो। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला ने करम करेगा अल्लाह ताला, और इंशाल्लाह आप लोग को जहाँ किस्मत ले जाएगी आप लोग वहाँ पहुँच जाएंगे।
और प्लीज़ हमने कोशिश की है कि हम पेपर्स को, इंग्लिश के पेपर को अपलोड करें। स्टूडेंट्स ने बहुत सारे एमसीक्यूज हमें भेजे हैं, उनको कंपाइल करके ऑलरेडी दो वीडियोस में लगा दिया है। तकरीबन 80 एमसीक्यूज शेयर कर दिए हुए हैं, अपलोड कर दिए हैं। कुछ के आंसर्स और कुछ के ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है, आप लोग वो ज़रूर देखें। जिनमें कन्फ्यूजन है वो भी हमें बताएं, ताकि हम एक और वीडियो उनको करेक्ट करके डाल सकें। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी दबा लें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो हो जिसमें हम ये लेक्चरर इंग्लिश का पूरा पेपर लाजमी आज रात तक अपलोड कर देंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिल जाए, ताकि आप अपने चेक कर सकें। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम दोस्तों को, तमाम साथियों को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला पे हमेशा भरोसा रखिएगा। अल्लाह ताला आपको आगे बढ़ने की और कामयाबियाँ हासिल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कलीग्स, फ्रेंड्स आज इंग्लिश लिटरेचर का पेपर देके आ रहे हैं, और इस वक्त आप सभी परेशान हैं कि पेपर कैसा दे आए हैं, पेपर कैसा था। सबके जहन में ये सवाल है कि आया पेपर सिर्फ हमें ऐसा लगा या बाकी सबको भी ऐसा लग रहा है जैसे हमें लगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज करके बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे डिफरेंट पेजेस पे कमेंट्स किए, क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर किए हैं। तो ओवरऑल ओपिनियन हर स्टूडेंट का ये है कि आज का पेपर सारे स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगा है। क्यों मुश्किल था, इसमें क्या ऐसा था? पेपर सेटर ने ऐसा पेपर बनाया है जैसे जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके सामने एमए इंग्लिश का बच्चा नहीं बैठा हुआ, बल्कि गूगल बैठा हुआ है। मतलब इस